बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिये से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ ट्रेडिशनल गोश्त पंजाबी स्टाइल में, जो कि बहुत पहले ये इसी तरीके से पंजाबी गोश्त बनता था। पंजाब में ज़्यादातर ये गोश्त इसी तरीके से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये मेरे पास गोश्त है, ये देखें। बहुत मज़े का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। ये देखिए, ये अदरक लहसुन है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च है, टमाटर डालेंगे इसमें, अब ये प्याज है मेरे पास, प्याज इसमें, नमक डालेंगे इसमें, ये देखिए 2 टीस्पून तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हल्दी का 1 चाय का चम्मच डालूंगी मैं इसमें। ये सुर्ख मिर्च है मेरे पास, ये मैं 1 चाय का चम्मच और थोड़ी सी ऊपर डालूंगी इसमें। चले जी, अब पानी डाल देते हैं। पानी आप इतना डालें कि ये गोश्त जो है आराम से गल जाए। ये लौंग है वो डाल दूंगी, दालचीनी है मेरे पास, सॉरी बड़ी इलायची डालूंगी, ये थोड़े से लौंग है मेरे पास वो डाल दूंगी इसमें। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो चलें इसको गलने तक हम रखते हैं। तो जैसे ये गोश्त गलता है तो बाद में हम आपसे, तो ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा गल गया। तो अब हम अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी को हम खुश्क होने देंगे। ये अच्छे से खुश्क हो जाए पानी तो फिर इसको हम भून लेंगे। ये देखिए, इसमें अभी पानी है, दे देंगे क्योंकि पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया, गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया। तो अब इसमें हम एक चाय का चम्मच मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल दूँ। ये थोड़ा गरम मसाला डालूंगी, ये जो मेरा किंग गरम मसाला, सरदार गरम मसाला, ये डाल दूंगी इसमें। अभी घी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, mm-hmm.
गोश्त हमारा भुन चुका है, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतनी हम इसकी ग्रेवी के लिए रखेंगे। ये देखें, चले हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं, मिलते हैं हम इसको बाद में। तो चले देखते हैं, ढक्कन उठा के हमारा मसाला रेडी हो गया। ये देखें, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए इसकी। ये देखें, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। अब इसमें हम ये अपना सरदार मसाला डालेंगे, एक कसूरी मेथी और डाल देंगे थोड़ी सी खुशबू के लिए, धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च और धनिया इसमें कटा हुआ। देखिए व्यूअर्स, सालन हमारा रेडी हो गया, तो अभी हम इसको डिश आउट करके फिर आपसे मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरी रेसिपी की फाइनल लुक है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, मेरी सेम इंस्टाग्राम की आईडी है रुबीना फूड आइडियाज़। तो आप हमारे चैनल को रुबीना फूड आइडियाज़ को लाजमन सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है। और एक लाइक लाजमन कर दिया करें और कमेंट्स भी लाजमन किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।